वालेकुम मालवी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जो है इन पेज उर्दू जो है उसका दूसरा लेसन इंशाल्लाह करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इन पेज उर्दू का इंट्रो किया था, उसके बाद हमने कुछ इसकी कमांड्स की थी, तो आज हम जो है मजीद लेसन नंबर टू की तरफ चलते हैं। और आज हम अपने सबक में अपना एडिट और मजीद कुछ सीखें। तो एडिट में हमने लास्ट टाइम जो है प्रेफरेंस में एप्लीकेशन की थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या है कि आप जब लैंडिंग पेज में काम कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या चाहते हैं, यानी कि जो आपके आपकी मेजर यूनिट है वो किस में, आप इंचेस में करना चाहते हैं, जैसे ये स्केल जो है ये इंचेस में हो जाएगा, कैरेक्टर स्पेसेस इंचेस में करना चाहते हैं, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो आप पॉइंट्स में कर दें। उसके बाद है स्नैप डिस्टेंस। स्नैप डिस्टेंस होती है फासला, स्नैप्स का फासला वो आप कितने 2 मिलीमीटर करना चाहते हैं तो 2 मिलीमीटर या जितना भी करना चाहते हैं। उसके बाद पोजीशन फ्रंट टू बैक, यानी आप जो है आपकी जो स्नैप्स की पोजीशन है वो कहाँ पे हो, फ्रंट पे हो या बैक पे हो, तो वो हम फ्रंट पे ही रखते हैं अक्सर। उसके बाद आगे है जी पेजेस, पेज नंबर्स। पेज नंबर्स क्या होते हैं, जब आप इन पेज में काम कर रहे हैं तो साथ साथ पेज नंबर्स लग रहे होते हैं, वो कैसे लगाने हैं और कहाँ से शुरू करना है। हम 1 से शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद रोमन में लगाना चाहते हैं, उर्दू नंबर लगाना चाहते हैं और इस तरह लगाना चाहते हैं, या ये इंग्लिश नंबर लगाना, वो तीनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनमें से जो मर्जी। उसके बाद फास्ट बोर्ड साइज है, ये अमूमन जो है वो अक्रॉस आपका 15% है, डाउन जो है 25 मिलीमीटर है। रोलर जो है वो कहाँ पे शो हो वो आप उसको साइज सेट कर सकते हैं, रोलर कितना नीचे करना, ऊपर करना, डाउन करना या ऊपर करना है। तो उसके बाद व्यू है, आप कितने परसेंट जब आप काम कर रहे हो तो व्यू करना चाहते हैं, 100% देखना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरह ओके करेंगे। उसके बाद आगे है जी हमारा एप्लीकेशन में टाइपोग्राफिक। टाइपोग्राफिक क्या होता है, फर्स्ट स्पेस विद नस्तालीक जो फॉन्ट है, स्पेस भी तो उसकी जो है वो कितने रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितने परसेंट, 1%, 0%, जितने भी करना चाहते हैं। उसके बाद ऑटो स्पेसिंग है, वो 50% करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नस्तालीक स्पेस 10% हुई हुई है। और लातिन, लातिन जो है वो भी एक फॉन्ट है, उसकी आप स्पेस कितनी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉक्सेज, जब आप टेक्स्ट बॉक्सेज बनाते हैं तो उसमें आपका साइज क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका प्रेफरेंस में एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी एडिट क्या होता है, जब आप जिसमें काम कर रहे हैं उसका फॉन्ट साइज आपका जो है वो प्रिंट में भी वही लेना चाहते हैं या प्रिंट में काम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रेफरेंस में एंड पे है कीबोर्ड प्रेफरेंस। कीबोर्ड प्रेफरेंस की मदद से आप अपना कीबोर्ड जो है वो बना सकते हैं, जैसा कि ये फोनेटिक कीबोर्ड है, ये बना बनाया कीबोर्ड है। अगर हमने अपना बनाना चाहते हैं तो हम यूजर डिफाइंड 1 पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये पे हम जो है वो अलिफ ले जाना चाहते हैं तो कैपिटल स्मॉल ए पे अलिफ आ गया, और अलिफ मदा जो है उसको हम ले जाना चाहते हैं कैपिटल, तो ये कैपिटल पे, और उसको सेव करके आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, यानी जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं कीबोर्ड उसकी मदद से भी आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से अपने जो लफ्ज़ हैं या हर्फ हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। तो हम अमूमन जो है ये फोनेटिक कीबोर्ड हर बंदे ने याद किया होता है, उसकी मदद से हम और भी कीबोर्ड अरेबिक कीबोर्ड भी पड़े हुए हैं। तो ये हमारा एडिट कंप्लीट हुआ। उसके बाद व्यू। व्यू क्या होता है, आपको पता ही है कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें व्यू होता है, जो आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए फिट टू विंडो, फिट टू विंडो हो जाए, व्यू 50% हो जाए। उसके बाद एक्चुअल F7 से, इसको हम F7, F6, F5 से लेकर F8 तक इसका जो जूम साइज आप सेट कर सकते हैं, एक्चुअल कर देते हैं। उसके बाद आगे है जी हिडन रिबन। रिबन क्या होता है, आपने जो टूल मेन्यू है उसको आपने गायब करना, तो ये देखो ऊपर हमारा जो है वो टूल मेन्यू शो रिबन, तो आप देखें टूल्स आपके शो हो गए। उसके बाद हाइड टूल्स, टूल्स जो साइड पे थे इस साइड पे वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं या उनको शो कर सकते हैं। उसके बाद रूलर, रूलर आप अब नजर नहीं आ रहा, उसको शो करना चाहते हैं तो आप दोबारा इसको शो रूलर करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद है जी गाइड्स। गाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोग ये जो लाइनें लगाते हैं ना गाइड्स की, वो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते, वो आपकी ये देखें ये वाले गाइड्स, ये गाइड्स होते हैं जिससे आप अपने पेज को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो व्यू। उसके बाद है इनविजिबल्स, आपको जो है वो यहाँ पे सिंबल्स साथ जो है वो लगाना चाहते हैं, इनविजिबल करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं या उनको हाइड करना चाहते हैं। स्नैप्स गाइड्स क्या होते हैं, स्नैप्स टू गाइड्स F9 होती है इसकी शॉर्ट की, इसके जरिए आप क्या करते हैं ये स्नैप्स गाइड्स, ये आपकी साइड से जो है ना वो आप निकाल के या इसको साइड पे आप जो है ख़त्म भी कर सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी, इससे आप पेज को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये था व्यू और एडिट हमने आज किया कंप्लीट, और फाइल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह फॉर्मेट जो है उसको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखते रहें, इंशाल्लाह हम अगली चंद वीडियोज़ में इन पेज उर्दू जो है उसको कंप्लीट खत्म भी करेंगे और उसमें प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे।